नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी पर हमला जारी है। विश्वकर्मा जयंती पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा कर दी कि उनकी सरकार बनते ही विश्वकर्मा जयंती पर अवकाश कराया जाएगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनावी मौसम आने से पहले ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ये दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने हर व्यक्ति का अपमान किया है और इसने पहले की किसी भी सरकार की तुलना में अधिक झूठ बोला है। ऐसा लगता है कि बीजेपी झूठ का ट्रेनिंग सेंटर चला रही है। जनता को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को ईवीएम और डीएम से अलर्ट रहने की अपील की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बिहार में ईवीएम और डीएम ने बेईमानी की और बंगाल में ही सही जवाब मिला। इससे पहले अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब की बार बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी नजर लगी है और ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा का समय है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे बिना समय गवाए अपने अपने क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से जुट जाएं। इस काम में कोई कोताही न हो, बूथ पर तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए और कार्यकर्ता ये न भूलें कि उन्हें ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव यानी 2022 के विधानसभा चुनाव की पवित्रता को बचाने के काम में जहां सभी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा से लगना है, वहीं बीजेपी के अलोकतांत्रिक इरादों से पूरी तरह सतर्क भी रहना होगा। यादव ने कहा अब की बार बूथों पर बीजेपी की बुरी नजर लगी है और ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा का समय है। उन्होंने कहा कि सपा इस संबंध में पुख्ता रणनीति बना रही है ताकि बीजेपी जनता को धोखा ना दे सके। देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सत्ता के गलियारों में राजनीतिक शोर गूंजना शुरू हो गया है। सूबे की जनता हर दल का हिसाब किताब समझने की कोशिश कर रही है तो सियासी पार्टियां भी अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। इन सब के बीच चुनावों से पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासत में ईवीएम का जिक्र निकल आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।